सरकार सुरक्षा देगी, क्योंकि हम लोग यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और हमारी ये मांग है कि भाई को अब यहाँ जेड प्लस सुरक्षा दी जाए और जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। वो तो गिरफ्तार होकर जेल चले गए हैं ना? हाँ, तो उन जिन लोगों ने मतलब उनके उन आरोपियों के जरिए भाई पर हमला करवाया है, उन आरोपियों को जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार, षड्यंत्रकारी है ना, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन भीम आर्मी के पास तो हजारों युवक हैं, वो मूंछों में अंटा देते हैं, लाठी दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं गाड़ियों के ऊपर निकल के। आपको सुरक्षा की जरूरत क्या है? काफिला बहुत मजबूत आपके पास तो देश में। भीम आर्मी कहीं भी कमजोर नहीं है कि उनको सरकार से सुरक्षा मांगनी पड़े, लेकिन फिर भी हमें हमारी सरकार को ताकत दिखानी है और उनको बताना है कि उनकी तानाशाही अब नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग। और आने वाला समय है वो बहुजन समाज का है और बहुजन समाज अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है और वह इस तानाशाही सरकार को 2024 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, सुरक्षा लेने के लिए गोली चलवाई है चंद्रशेखर साहब ने और लोगों ने उसमें जो है समर्थन कर दिया। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ भाई, अपने ऊपर खुद कोई भी इतना भयंकर तरीके से जानलेवा हमला नहीं करवा सकता। और मैं जहाँ तक भाई को जानती हूँ, भाई ऐसे षड्यंत्र नहीं कर सकते और उनको सुरक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो उनके साथ में पूरा बहुजन समाज है, उनके पास उनके लाखों कार्यकर्ता हैं, उनको ऐसा षड्यंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बहुजन नेता हुए हैं हमारे देश में, चाहे बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम बहन जी, वो कभी जो है सुरक्षा के लिए जंतर मंत्र आंदोलन करने नहीं आए थे। लेकिन हाँ, वो समय और था, आज समय बदल चुका है। आज का हर एक युवा है वो जाग चुका है और इस वजह से वह अपना एक विरोध प्रदर्शन करके आज जंतर मंत्र पर महा आंदोलन करके सरकार, तानाशाही सरकार को अपनी ताकत बताने यहाँ इकट्ठा हुआ है। एक बाबा आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट हैं। वो बाबा का जो बयान किस तरह से देखती हैं आप? मैं मानती हूँ कि वो महिला विरोधी इंसान है और उन्हीं की वजह से, उनके ऐसे बयान की वजह से आज जो मणिपुर में जो घटना घटित हुई है वो उसी बयान की एक जीता जागता एक रूप है। और ऐसे अपराध, ऐसे ढोंगी बाबा जिनके ऐसी गंदी मानसिकता है महिलाओं के प्रति, वो महिलाओं को मनुष्य समझते ही नहीं है और वो देश में जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, महिलाओं को एक तुच्छ नज़र से, तुच्छ दर्जे से उनको देखते हैं। और ऐसे बाबाओं के जो ऐसे घटिया बयान की वजह से ही जो मणिपुर वाली घटना वो हुई है। लेकिन इन बाबाओं के यहाँ तो हजारों महिलाएं जा रही हैं, डांस करती हैं, ताली बजाती हैं, वो कहीं विरोध नहीं करती ऐसे बयानों का? वो मैं मानती हूँ कि वो अंधभक्त है और अंधभक्ति में इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो अपना सविवेक खो देता है। कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं और महिलाओं को भी जो है सही दिशा दिखा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो हम सिर्फ मानव धर्म को मानते हैं। हमारे लिए कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं। मणिपुर की घटना की जो पूरी दुनिया में मुखालपत हो रही है, चीरहरण हुआ है, आज मोदी जी ने कहा था कि लाठले की दीवार से कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं हम, वो तो आज पूरा देश ही देख रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार महिलाओं के ऊपर गंदी राजनीति कर रही है। महिलाओं के हक अधिकारों की सुरक्षा की बात की जाती है लेकिन उनके हक अधिकार और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई मजबूत इस तरीके से कोई कानून नहीं बनाया गया है, ना ही उनको कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। आपने देखा होगा तो मणिपुर में आज से लगभग दो महीने पहले 4 मई को मणिपुर वाली जो घटना घटित हुई उसमें वहाँ का पुलिस प्रशासन वगैरह सब मौजूद था और पुलिस प्रशासन के पास से ही उन महिलाओं को वो लोग लेके चले गए जो ऐसे गंदी मानसिकता के लोग हैं और जिन लोगों ने उस महिला के साथ में एक अमानवीय घटना को अंजाम दिया, गैंगरेप किया, उन महिलाओं के साथ में अभद्रता की, वो लोग जब उन महिलाओं को लेके गए तो वहाँ का पुलिस प्रशासन उस वक्त वहाँ मौजूद था, मंत्री भी जाते रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब सरकार की मिली भगत से हो रहा है, इसमें सिर्फ सुरक्षा की बात की जा रही है। नारा देते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। आपको भी पता है महिलाओं के ऊपर केवल सरकार राजनीति करती आई है आज तक और अभी भी वो सिर्फ राजनीति ही कर रही है। कह रहे हैं कि हिंदू मजबूत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप तो?
नहीं, हमें तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि हिंदू मजबूत हो रहे हैं और कहीं भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात चल रही है। ये सिर्फ एक खोखला नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं मानती हूँ कि वो इस नारे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बेटी बचा लोगे तो बेटी पढ़ा लोगे। तो जब उज्जैन में, उज्जैन में मुस्लिमों के घर तोड़े गए डीजे बजा करके और डंका बजा करके, ये कौन सा कानून देखती हैं आप? मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ जब जब देश में चुनाव आते हैं तो ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे भड़काते हैं, और जो देश में अमन शांति प्रेम का जो एक सौहार्द है उसको बिगाड़ने में हमेशा ये लोग आगे रहते हैं। आप राजस्थान से आती हैं, वहाँ बहुत अत्याचार है दलितों पर आदिवासियों पर। हाँ, राजस्थान भारत में सबसे नंबर वन पे है जहाँ अपने दलित समाज पे और आदिवासियों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, और मैं मानती हूँ कि ये गलत है। और वहाँ के लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और 2024 में वो मुंह तोड़ जवाब देंगे इस तानाशाही सरकार का। नहीं, अभी अमृतकाल नहीं आया, अभी आने में कम से कम 5 साल और होंगे।